Oh, you got it. In last class, we studied about major crops of India, in which we studied major food grain crops and major commercial crops. Today we will study about technical and institutional reforms. In agriculture sector, it means how agriculture developed in India before independence and after independence. First of all, हम बात करेंगे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन इंडिया की अप्रोक्सीमेट 50% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इट मींस आज भी इंडिया की आधी पॉपुलेशन का जो लिवलीहुड सोर्स है वो क्या है, एग्रीकल्चर है. बट आज भी मोस्ट ऑफ आवर इंडियन फार्मर्स आर डिपेंड ऑन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी, दैट इज द बिगेस्ट रीजन दैट आवर पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज स्टिल लेस कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. मतलब आज भी हम अपने जो ट्रेडिशनल सोर्स है इरिगेशन के, ट्रेडिशनल सोर्स है अपने फील्ड प्लोइंग के, आज भी हम उन्हीं के ऊपर क्या है, डिपेंड है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर और हमारी प्रोडक्टिविटी पर. हम में से कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. तो देखो, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में माइनर सा डिफरेंस है. प्रोडक्शन बताता है क्वांटिटी को और प्रोडक्टिविटी बताती है क्वालिटी को. इट मींस एज इफ वी हैव 5 हेक्टेयर लैंड, हमारे पास 5 हेक्टेयर लैंड है एंड वी गेट अप्रोक्सीमेट 30 क्विंटल प्रोडक्शन. दिस इज आवर प्रोडक्शन, कि कितनी क्वांटिटी प्रोडक्शन की हमें ओवरऑल मिली है. अब व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी देखो, हमारे पास लैंड है 5 हेक्टेयर और हमने उससे प्रोडक्शन लिया है 30 हेक्टेयर. तो इट मीन्स पर हेक्टेयर अपना प्रोडक्शन हो गया 6 क्विंटल पर हेक्टेयर या 600 kg पर हेक्टेयर. दैट इज आवर प्रोडक्टिविटी. इट मीन्स हमारे जो फील्ड है उसकी कैपेसिटी कितनी है पर हेक्टेयर 600 किलोग्राम या 6 क्विंटल प्रोडक्शन करने की. तो जो कैपेसिटी होती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी और जो ओवरऑल प्रोडक्शन हमारे को मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन. तो देखो, आज भी हम हमारे ट्रेडिशनल जो वेज एग्रीकल्चर के उन्हीं पर डिपेंड है. इसकी वजह से आज भी हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड स्टेज के अंदर है. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है हमारे डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल. आज भी हम मानसून पर ही डिपेंड है मोस्टली. इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिवाइडेशन ऑफ
एग्रीकल्चर प्लॉट्स, जिसको कहते हैं अपन हेरिडेटरी जो सिस्टम है अपना। हेरिडेटरी सिस्टम मतलब एक पर्सन, एक फार्मर के चार बेटे हैं, तो उसकी जमीन जो है, उसका जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो चार पार्ट्स में डिवाइड होगा, उन चारों को एक एक पार्ट मिलेगा। इट मीन्स जैसे मान लो एक फार्मर के पास में 10 हेक्टेयर प्लॉट है और वो अपने चार बेटों में 2.55 हेक्टेयर उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सेम ट्रेडिशन क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। फिर वो लोग क्या करेंगे, 10 से उसके 4 पार्ट्स हो गए, दे ऑल हैव 2 सन्स और छोटी साइज हो जाएगी, तो अपने लैंड होल्डिंग्स है उनकी साइज स्मॉलर और स्मॉलर होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो एग्रीकल्चर जो होल्डिंग है वो एग्रीकल्चर करने लायक बसता ही नहीं है। इट मीन्स वहां पे आप कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकते। और भी प्रॉब्लम्स है, सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब हम सॉइल ट्रीटमेंट के फील्ड के अंदर किसी कोई भी कंसोलिडेटेड एफर्ट नहीं करते हैं, और उस कंसोलिडेटेड एफर्ट नहीं करने का रिजल्ट क्या होगा, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी वो डे बाय डे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सॉइल एग्रीकल्चर करने लायक नहीं बचेगी। तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर आज भी पिछड़ी हुई है। एक और इसके अंदर अगर हम ऐड करें तो डेप्ट, आज भी इंडिया का जो किसान है उसको इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो होते हैं, ये पुरानी बातें लगती हैं हमें, बट आज भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से उनको लोन नहीं मिलता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मीन्स बैंक, फाइनेंशियल कंपनी, इनसे लोन नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो लोग आज भी जो जमींदार होते हैं गांव में, या जिनको कहते हैं मनी लेंडर्स, आज भी उन लोगों से लोन लेते हैं, और उनकी लोन की इंटरेस्ट रेट क्या होती है, हाई होती है। उनके लोन को रिकवर करने के जो मेथड्स होते हैं वो भी रिगिड होते हैं। इनकी वजह से एक किसान जो होता है, एक फार्मर जो होता है, वो अपने लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स होती है उसको पे करने में क्या रहता है, इनकैपेबल रहता है, वो उस डेब्ट का जो साइकिल है उसमें उलझता जाता है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेचुरल कैलेमिटीज, कभी रेनफॉल कम होगा, कभी रेनफॉल ज्यादा होगा, कभी कोई डिजीज फैल जाएगी क्रॉप्स के अंदर, ठीक है, कभी कोई इंसेक्ट्स की वजह से क्रॉप खराब हो जाएगी, तो कोई ना कोई रीजन ऐसा होता है जिसकी वजह से क्रॉप्स के खराब होने के चांसेस बने ही रहते हैं। इसके लिए देखो गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किए, हमें भी कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है, उन्हीं कुछ मेथड्स को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो 1947 में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, उस टाइम पे हमारे पास में फूड स्टारवेशन के हालात थे। फूड स्टारवेशन मीन्स हमारे पास खाने लायक फूड ग्रेन्स भी नहीं थे, इतना भी प्रोडक्शन नहीं हो सका था कि हम हमारी पॉपुलेशन के क्या भर सके, पेट भर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, दूसरी कंट्री से फूड ग्रेन्स को क्या करना शुरू किया, इंपोर्ट करना शुरू किया। उसके बाद में 1960 से 1970 का जो डेकेड था, उस डेकेड में अपने इंडिया में एस स्वामीनाथन, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया और उस कंसेप्ट का नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या नाम था उस कंसेप्ट का,
ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब था एग्रीकल्चर के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लाना, प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन को बूस्ट करना। और वो बूस्ट करेंगे कैसे, बूस्ट करने के लिए देखो हाइब्रिड सीड्स यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करना, इन सब मेथड्स के थ्रू क्रॉप्स का प्रोडक्शन, स्पेशली फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना। और इसका इफेक्ट हुआ भी, सबसे पहले इसका इफेक्ट पड़ा वीट की प्रोडक्शन पे, और आने वाले एक डेकेड के अंदर ही इंडिया इसके यूज की वजह से फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट बन गया, यानी अब उसको अदर कंट्री से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, अब वो खुद अपनी जरूरत का फूड ग्रेन क्या करने लग गया, खुद प्रोडक्शन करने लग गया। उसके बाद में धीरे धीरे अदर क्रॉप्स के ऊपर भी इसका असर पड़ा, और ऐसे ही फिर देखो और भी काफी प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के अलावा। एक चलाया देखो 1980 के अंदर, 1980s के अंदर गवर्नमेंट ने लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्टार्टिंग की, और इस लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स किए, जिनके अंदर देखो क्रॉप इंश्योरेंस, फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट, और लैंड होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन मीन्स जो लैंड होल्डिंग्स बिखरे हुए हैं उनको एक जगह पे गैदर करना। कैसे करना उसके डिस्कस हम करते हैं। देखो लैंड कंसोलिडेशन कैसे करते हैं, कोई पर्सन है ए और बी, ए और बी आर टू पर्सन्स, ए के पास में टोटल 10 हेक्टेयर लैंड है और बी के पास भी लगभग इतना ही लैंड है, लेकिन ये 10 हेक्टेयर लैंड दोनों का ही कंसोलिडेटेड नहीं है, इट मीन्स एक जगह पर नहीं है। पता चला कि ए का 5 हेक्टेयर लैंड यहाँ पे है और बी का भी 3 हेक्टेयर लैंड यहाँ पे है, 5 यहाँ है 3 यहाँ है। इधर पता चला बी का 5 हेक्टेयर लैंड यहाँ पे और ए का 3 हेक्टेयर लैंड यहाँ पे, ठीक है। फिर पता चला दोनों का 2-2 हेक्टेयर लैंड इधर दूसरी जगह पे, इस तरीके से इनका लैंड जो पार्ट है वो बिखरे हुए। कैसे होते हैं ऐसे, एक फार्मर के 4 बेटे और फार्मर की जमीन 4 जगह पे, तो चारों जगह की जमीन उनमें बराबर बांटता है। वो ये नहीं करता कि इस जगह की जमीन इस बेटे की, इस जगह की जमीन इस बेटे की, वो 4 जगह की जमीनों के 4 टुकड़े करेगा। इससे क्या होगा, उन चारों के पास में 4 जगह पर जमीन के छोटे छोटे प्लॉट्स आएंगे, ठीक है। अब कंसोलिडेशन में ये लोग क्या करेंगे कि इधर बी की ए की 3 हेक्टेयर जमीन है, ए की 5 हेक्टेयर जमीन है, बी की 3 हेक्टेयर जमीन है, इधर बी की 5 है और ए की 3 है, तो ये क्या करेंगे, इधर की 8 हेक्टेयर पूरी ए रख लेगा, इधर की 8 हेक्टेयर पूरी बी रख लेगा। इस तरीके से बी को इधर से इधर नहीं भागना पड़ेगा, ए को इधर से इधर नहीं भागना पड़ेगा, यानी इस तरह से आपस में कॉम्प्रोमाइज करके फार्मर्स अपनी लैंड को क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से इस तरीके से बांट लेते हैं। इसी को कहा जाता है लैंड कंसोलिडेशन। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गवर्नमेंट ने, जिसको हिंदी में नाम दिया गया, ये आपको बुक्स में इसी नाम से ये मिलेगी स्कीम, भू चकबंदी, यानी चकबंदी की इनकी, यानी अलग अलग अगर आपके लैंड प्लॉट्स अगर बिखरे हुए हैं तो उनको कंसोलिडेट करना, उनको एक जगह करना। इसके अलावा
गवर्नमेंट ने लोअर रेट्स पर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने की स्कीम्स भी शुरू की। अब लोन प्रोवाइड करने की स्कीम कैसे शुरू की, देखो इसके लिए उन्होंने शुरू की केसीसी स्कीम। केसीसी स्कीम मतलब किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो आज भी चल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसमें क्या क्या आता है, एक फार्मर को उसकी लैंड होल्डिंग के साइज के अकॉर्डिंग उसको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है उसको, क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, और उसकी एग्रीकल्चर लैंड की साइज के अकॉर्डिंग उसकी लिमिट फिक्स की जाती है। जैसे मान लो एक फार्मर को 50,000 रुपीज की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिला, तो उससे वो क्या करेगा, वो 50,000 वो कभी भी विड्रॉल बैंक से जाके कर सकता है। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भर के उससे वो बैंक में जाके उसको विड्रॉल कर सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज करती है उसके ऊपर, 3-4%, इससे ज्यादा नहीं होता। एनुअल, मंथली नहीं, यानी 100 रुपीज पे एनुअल 3-4 रुपीज इंटरेस्ट के, इतना कम इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज करती है गवर्नमेंट। फिर इसके लिए उसको मिलता है 6 मंथ्स का टाइम, यानी 6 मंथ्स के अंदर उसको ये 50,000 रुपीज क्या करने पड़ते हैं, अपने अकाउंट में वापस जमा कराने पड़ते हैं। फिर 6 मंथ होते हैं चाहे वापस फिर से वो उसको विड्रॉल करवा सकता है। यानी जैसे मान लो आपके 6 मंथ्स, आज थर्ड जून है, कल 4 जून को हो रहे हैं, तो आप 4 जून को ले जाके उस 50,000 रुपीज विद इंटरेस्ट उसमें जमा करा दो। उसके बाद में चाहे आप नेक्स्ट डे फिर से 50,000 उसमें से विड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये स्कीम आने के बाद में जो फार्मर्स हैं उनकी मनी लेंडर्स पर जो डिपेंडेंस है वो काफी लेवल तक, एक बड़े लेवल तक क्या हुई है, कम हुई है। जहां उनको 3-4% मंथली इंटरेस्ट देना पड़ता था, वो अब उनको एनुअली देना पड़ता है 3-4%, यानी जो महीने का ब्याज देना पड़ता था उनको, आज वो साल का ब्याज देना पड़ता है। इसके अलावा एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसका नाम था PAIS। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में क्या था कि यदि फार्मर की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिया जाता है, कुछ कंपनसेशन दिया जाता है। अब देखो इसके अलावा गवर्नमेंट टाइम टाइम पर और फार्मर्स की कैसे मदद करती है, देखो देखो इसके अलावा गवर्नमेंट की एक और स्कीम है एमएसपी। एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मीन क्या है, इट मींस फार्मर जो भी क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसका जो सीजन आता है, जब क्रॉप का जो सीजन आता है, उस सीजन से पहले ही गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी एमएसपी डिक्लेयर कर देती है। एमएसपी मतलब जैसे मान लो वीट का, अभी जैसे मान लो राइस का सीजन आएगा, गवर्नमेंट ने राइस की मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दी, भाई 4,000 रुपीज होगी, ठीक है। अब 4,000 रुपीज से मतलब क्या होगा, उगाने से पहले ही कर दिया गवर्नमेंट ने, अभी तो आपने उगाई भी नहीं, उससे पहले भी एमएसपी कर दिया डिक्लेयर। इससे में क्या होगा, इसका मीन ये होगा
कि 4000 रुपीज में तो गवर्नमेंट आपसे राइस खरीद लेगी, ठीक है। अगर आपको इससे ज्यादा मार्केट में भाव मिलता है, ठीक है, रेट मिलती है, तो आप मार्केट में इससे ऊपर की रेट में बेच सकते हैं। अगर इससे कम अगर आपको मार्केट में कोई आपकी क्रॉप का प्राइस दे रहा है तो आप उसको मत बेचो। गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया उस फिक्स प्राइस पे गवर्नमेंट जो मंडी होती है उन मंडियों में गवर्नमेंट जो शॉप्स होती हैं उन शॉप्स पे बेच दो। तो इसका फायदा क्या हुआ, पहले जो ये मनी लेंडर्स वगैरह होते थे या बड़े ट्रेडर्स होते थे जो फार्मर्स को एडवांस दे जाते थे लोन के रूप में, वो लोग क्या करते थे, अपनी मनमानी रेट पर फार्मर्स की क्रॉप खरीद ले जाते थे और क्या करते थे, उनके इंटरेस्ट के अंदर ही उनकी पूरी क्रॉप खा जाते थे। तो उससे एक फायदा हुआ, अब एक सफिशिएंट प्राइस फार्मर्स के पास में होती है कि उनके पास एक ऑप्शन होता है, अगर और कोई नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट एटलीस्ट हमारी क्रॉप को हमारे से परचेज कर लेगी, इसलिए वो उस क्रॉप को उगाने के लिए इनकरेज होते हैं। जब उनको लगता है कि कोई फायदा ही नहीं है, उगाएंगे आपको अप्रोप्रिएट प्राइस मिलेगी नहीं, तो आप क्या करोगे, इनकरेज होने के बजाय उसको उगाने के लिए होपलेस हो जाओगे कि हम उगा के क्या करेंगे इसको, हमें इसके लिए जितनी लागत है जितनी कॉस्टिंग है उतना भी नहीं मिलेगा, तो हम उस क्रॉप को उगा कर क्या करेंगे। आप देखो इसी के अलावा बिफोर इंडिपेंडेंस गांधी जी ने एक स्कीम शुरू करी थी, उसका नाम लिखा था भूदान। गांधी जी ने एक प्रोग्राम चलाया था उस प्रोग्राम का नाम था भूदान। तो गांधी जी ने इसकी स्टार्टिंग की भूदान की। देखो भूदान में क्या था, जो फर्स्ट पर्सन थे जो इस भूदान आंदोलन से जुड़े वो थे विनोबा भावे। अब इसके अंदर देखो कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या हुआ इसके अंदर। तो देखो जब विनोबा भावे, इसमें क्या था कि गांधी जी के आह्वान पर पूरे इंडिया में इन लोगों को पद यात्रा करनी थी, जो गांधी जी के जो सत्याग्रही थे उनको पद यात्रा करनी थी, यानी पैदल मार्च करना था पूरे इंडिया के अंदर और किसानों की और गांव वालों की प्रॉब्लम्स क्या थी सुननी थी और उनको स्पीच देना था। अब एक बार विनोबा भावे गए हुए थे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जगह है पंचमाली, पंचमाली नाम की एक जगह थी, वहां पर विनोबा भावे बैठे थे आंध्रा में। वहां पर क्या हुआ, कुछ फार्मर्स ने, लैंडलेस फार्मर्स ने डिमांड रखी कि हमारे पास में जमीन नहीं है, हम लोग खेती किस पर करें। तो विनोबा भावे ने उस टाइम तो उनको कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको एश्योरेंस दिया। किस चीज का एश्योरेंस दिया, कि वो गवर्नमेंट से इस मामले में क्या करेंगे, बात करेंगे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस मामले में बात करेंगे। तो देखो उसी टाइम वहीं के जमींदार जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी, वो खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास 80 एकड़ जमीन है, वो मैं 80 लैंडलेस जो फार्मर है उनको दूंगा, यानी हर फार्मर को 1-1 एकड़ जमीन देने का उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे डिक्लेरेशन कर दी, ठीक है। और यहीं से फिर शुरुआत हुई भूदान आंदोलन की, जिसने जो ऐसे बड़े किसान या जमींदार थे जिनके पास एसएस में लैंड था, यानी एक्स्ट्रा लैंड था, उनसे अपील की गई कि आप जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको क्या करें, उनको क्या करें, गरीब किसानों में बांटे। तो इसको नाम दिया गया भूदान। ऐसे ही देखो कुछ जो जमींदार थे, बड़े जमींदार,
उन्होंने क्या किया, इंडियन पीपल के लिए, इंडियन जो गरीब किसान थे उनके लिए पूरा का पूरा विलेज, क्योंकि जमींदारों के पास में पूरे गांव की जमीन होती, तो पूरा का पूरा गांव की जमीन देने की उन्होंने क्या किया, प्रपोजल दिया। तो इस ऑफर को नाम दिया गया ग्रामदान। क्या नाम दिया गया? ग्रामदान। यानी जो अपनी जमीन किसानों के लिए दे रहा था उस प्रोसेस को नाम दिया गया भूदान, और जो जमींदार जिन्होंने अपना गांव ही पूरा किसानों को दान में दे दिया उस प्रोसेस को नाम दिया गया ग्रामदान। और विनोबा भावे ने जो आंदोलन शुरू किया, ये जो मूवमेंट शुरू किया भूदान और ग्रामदान का, वो काफी फेमस हुआ पूरे इंडिया में, और इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा गया। इसका दूसरा नाम था ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। इट मीन्स इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, किसानों ने मांगी और बड़े किसानों ने उनको जमीन दे दी। इस आंदोलन में किसी प्रकार का कोई हिंसा वायलेंस नहीं हुई, किसानों ने डिमांड रखी और जो बड़े फार्मर्स और जमींदार थे उनकी डिमांड मान ली और उनको अपनी जमीन, यहाँ तक कि पूरे गांव के गांव उनको डोनेट कर दिए। तो इसलिए इस मूवमेंट को नाम दिया गया ब्लडलेस मूवमेंट या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो आज की हमारी क्लास में हमने टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, और भूदान और ग्रामदान जो आंदोलन था उसके बारे में पढ़े, और बाकी जो टॉपिक बचा है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।